नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोग की बहुत सारी फरमाइशें आती है, ईमेल आती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, आप लोग की फरमाइश पूरी करूंगा। आज मैं आपको आलू बुखारा का जो पौधा होता है उसको बोनसाई कैसे बनाए वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पौधा दिखा देता हूँ, ये देखिए पौधा। तो इसको हम कैसे बोनसाई बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल देखिए, आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, और जब एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गमले में किस तरह से मिट्टी लगती है। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ये DAP है, दिखा देता हूँ, ये देखिए ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं ये DAP में डाल चुका हूँ, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूँ मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरें हो इसको इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको काटेंगे, और इसकी पूरी मिट्टी निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसे लगाएंगे, ये देखिए जिस तरह से सेंटर में लगाएंगे। दोस्तों, इसको 15 दिन तक हम छांव में रखेंगे, और अब मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। कभी भी कोई ऐसा काम करे तो पानी जरूर डाल लें। तो दोस्तों, ऐसा बोनसाई आप बनाइए आलू बुखारे का,
और अगर कुछ पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।